दोस्तों, कटहल का प्लांट ऑनलाइन या नर्सरी से लाने के बाद उस प्लांट को कौन सा मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में कौन सा मिट्टी में लगाया जाए तो प्लांट हमारा मरे ना। तो दोस्तों, ये हमारा 50% गार्डन सॉइल है, 50% गबर का खाद। इसमें हमने 5 ग्राम हल्दी मिलाया जो कि मिट्टी में न्यूट्रोजन की कमी है तो वो भी पूरा करेगा, और थोड़ा सा बुझी हुई चूना मिलाया 5 ग्राम, क्योंकि हमारे मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो भी पूरा होगा। तो मिट्टी में हमने 5 ग्राम हल्दी और चूना मिला के रख दिए थे करीब 15 दिन पहले। आज हमने गबर का खाद इसमें मिला के आज हम इसमें कटहल के प्लांट लगाएंगे जो कि हमने ऑनलाइन मंगाए थे। ग्राफ्टिंग प्लांट है जो गमला में होता है, उसको कौन सा जैकफ्रूट कहा जाता है, वो गमला में ही होता है छोटा सा। तो दोस्तों, कटहल के प्लांट अब जब भी आप लाए तो आप लोगों का प्लांट कभी मर जाता है, तो इस मिट्टी में अगर लगाएंगे तो आप लोगों का प्लांट कभी मरेगा नहीं। तो इस मिट्टी में लगाने के बाद आपको उस क्या डालना है इसमें, और प्लांट देखिए, प्लांट जब नर्सरी या ऑनलाइन आप लाते हैं तो उसको आप 1 हफ्ता 10 दिन लाने के बाद तुरंत ही नहीं लगाना। ऑनलाइन अगर मंगाते तो तुरंत ही आपको उसको आने के बाद नहीं लगाना है, आपको कम से कम 10-15 दिन रख देना है, उसके बाद आपको प्लांट को लगाना है। तो लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा तो आपका कटहल के प्लांट नहीं कभी नहीं मरेगा। और मिट्टी अब ठीक से बनाना है, मिट्टी सही से बनाना है आपको। और मिट्टी बनाते समय आप ये चीज़ का जरूर ध्यान देना कि इसमें और कोई कुछ अलग से नहीं मिलाना आपको, कि आप अलग से कुछ मिला दिए, कुछ फर्टिलाइजर वगैरह मिला दिए, इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। सेफ रहेगा आपका, वो भी 15 दिन पहले आपका हल्दी मिलाना 5 ग्राम और 5 ग्राम चूना मिला के आप मिट्टी में रख दीजिए 15 दिन पहले, और जब आप प्लांट को लगाएंगे तो उस समय आपको गोबर का खाद इसमें मिला सकते हैं तुरंत ही। तो 50% हम मिलाया गोबर का खाद जो कि डीकम्पोज हो चुका है, 2-3 साल का पुराना। ये दोस्तों हमारा कटहल के प्लांट है जो कि हम ग्राफ्टिंग प्लांट है, ऑनलाइन मंगाए, ये गमला में होता है इसको। तो हमारा ये प्लांट है, अभी इसको देखिए, जो जहाँ पे ग्राफ्टिंग है यहाँ पे अभी हम ये झिल्ली को नहीं निकालेंगे, झिल्ली को निकालेंगे करीब 1 महीना बाद जाएंगे। तो आप लोग कभी भी प्लांट को मंगाते हो ऑनलाइन या नर्सरी से, तो प्लांट की आपका जो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे झिल्ली रहता है, उस ग्राफ्टिंग एरिया को तुरंत ही नहीं खोलना। आपका आपका प्लांट जब सेट हो जाएगा गमला में 1 महीना 15 दिन 20 दिन बाद उस ग्राफ्टिंग प्लांट को निकालना है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी आपका मरेगा नहीं। जी हाँ, देखिए हमारा प्लांट के जो जाड़े है वो काफ़ी नीचे तक आ गया, गोरो बैग से निकाल आया है। तो जाड़े को हम आसानी से निकालेंगे कि हमारा जाड़े कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम आसानी से निकालेंगे। और जब भी आप ऑनलाइन प्लांट मंगाते तो इतना ध्यान दीजिएगा कि प्लांट को आप रखना है 10-15 दिन, तो उसके बाद ही आपको प्लांट को लगाना है। दोस्तों, ये हमारा झिल्ली हम फाड़ के इसको निकालेंगे क्योंकि हमारा नीचे काफ़ी जाड़ा है इसमें है, तो झिल्ली हम ब्लेड से काट के निकाल रहा हूँ। आपको आप भी आसानी से निकालिएगा कि आपका जो प्लांट के जाड़े हैं वो जाड़े में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आसानी से निकालने के बाद आपको उसमें लगाना है। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग प्लांट में अब बहुत लोग क्या करते हैं कि लाते प्लांट लगा देते हैं, लगाने के बाद वो जो ग्राफ्टिंग के एरिया है वो भी झिल्ली से निकाल देते हैं, तो ये गलती से कभी प्लांट मर मर सूख जाता है, बचता नहीं। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। तो हमारा प्लांट देखिए आज 10 दिन 12 दिन हुआ है, आज हम इसको लगाने जा रहा हूँ, और ये ग्राफ्टिंग एरिया हम निकालेंगे नहीं। हमारा प्लांट जब अच्छा ग्रो हो जाएगा, सेट हो जाएगा गमला में, तब निकालेंगे। गमला में थोड़ा छेद में हमने पुराना गमला के टुकड़ा डाल दिए जो मिट्टी वाला गमला होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा मिट्टी देंगे नीचे, और नीचे थोड़ा मिट्टी देने के बाद हम प्लांट को रखेंगे 20 सेंटर पे। 20 सेंटर पे रखने के बाद हमारे प्लांट को इसमें हम रखेंगे क्योंकि हमारा नीचे काफ़ी जाड़े जो गोरो बैग से निकल आया था। तो प्लांट को आपको बीचों बीच रखना है, तो प्लांट हमने रख दिया है, देखिए प्लांट हमने रख दिया। तो इस प्लांट को अब जब भी देखेंगे तो कटहल के प्लांट पहले, अब जब नर्सरी से मंगाए तो पहले ही बड़ा गमला में नहीं लगाना आपको, आपको छोटा गमला में लगाना है आपका प्लांट के हिसाब से। हमारा ये प्लांट आप देख रहा है, तो ये प्लांट हमने लगा रहा हूँ 7 इंची के गमला में, 6-7 इंची का गमला है, तो इसमें हमने प्लांट को लगा रहा हूँ। उसके बाद हमारा प्लांट इसमें रहेगा करीब 3-4 महीना, जैसे ग्रो होगा
उसके बाद हम 10 इंची का गमला में देंगे। उसके बाद हम जैसे जैसे बड़ा होगा तो 2-3 बार चेंज करेंगे, 2 बार। उसके बाद जब आखिरी बार चेंज करेंगे तो करीब हम 15-16 इंची का गमला में हम लगाएंगे इसको। तो आपका प्लांट है, पहले छोटा प्लांट को बड़े गमला में लगाने से ग्रो भी नहीं होता और जल्दी फल भी नहीं आता। तो ये हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट इसमें मिट्टी देके किनारे किनारे हम इसको दबा देंगे, क्योंकि हमारा पानी जब देंगे हमारा प्लांट हिले ना। तो दोस्तों ये प्लांट आप जब भी आप मंगाएं तो इतना ध्यान रखें, पहले आपका प्लांट के हिसाब से गमला लेना है, उसके बाद आपका गमला चेंज करना है, आपका प्लांट जैसे आपका ग्रो होता है वैसे चेंज करना। दोस्तों ये मेरा देखिए प्लांट लग गया, आप इसमें पानी देके हम छाया में रखेंगे एक दिन, उसके बाद जहाँ पे हल्का धूप आता है वहीं पे रखेंगे। और दोस्तों जो कटहल के प्लांट लगाने का आसान तरीका